बड़ी खबर आ रही है, विधायक संजय सरावगी का कबीलपुर अर्थात वार्ड नंबर 46 में जबरदस्त विरोध हो गया है। शिलान्यास करने वहां पहुंचे थे एक सड़क का विधायक संजय सरावगी, जो कि नगर के विधायक हैं, वो शिलान्यास के लिए पहुंचे थे लेकिन वहां हंगामा हो गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर, विरोध कर रहे MSU के छात्र व विधायक के समर्थक के बीच धक्का मुक्की भी हुई है, जमकर गाली गलौज भी हुआ है। तो यही वो जगह है जहां पर विधायक संजय सरावगी पहुंचे थे सड़क का शिलान्यास करने, लेकिन शिलान्यास करने के दौरान जहां कार्यक्रम होना था वहीं पर हंगामा हो गया। MSU के छात्रों ने वहां पहुंचकर विरोध में जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद विधायक के समर्थक भी वहां गुस्से में आ गए और दोनों में कहासुनी हुई। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, लाइव तस्वीर है, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस पर एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हैं किस तरह से हंगामा हुआ, काफी संख्या में भीड़ वहां जमा है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस पर, किस तरह से कहासुनी हो रही है आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। जबरदस्त विरोध और विवाद भी हो गया दोनों पक्षों के बीच में। MSU के छात्र वहां पहुंचे थे, काफी संख्या में भीड़, आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से विवाद हुआ और हाथापाई तक नौबत पहुंच गई। लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं किस तरह से स्थिति तनावपूर्ण था कार्यक्रम के दौरान। हालांकि विधायक ने भी आरोप लगाया है इस मामले पर कि ये लोग वीडियो बना रहे हैं सिर्फ अपने आका, अपने पार्टी को दिखाने के लिए, ताकि उन्हें उनका वर्चस्व हो सके पार्टी में। तो ये आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से धक्का मुक्की हो रहा है लगातार टीवी स्क्रीन पर। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस पर हम एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह से धक्का मुक्की की तस्वीर आई है। इस तरह से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि विधायक के प्रति लोगों का गुस्सा कितना है। हालांकि विधायक की भी प्रतिक्रिया आई है और उन्होंने कहा है कि ये लोग मनमाने ढंग से इस तरह के काम कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस पर, लेकिन जिस तरह से हंगामा हुआ और विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई है, इससे एक सवाल तो जरूर उठ रहा है, क्योंकि आगामी आने वाला समय में विधानसभा चुनाव है, तो ऐसे में विधायक के लिए परेशानी का सबब बन सकता है, क्योंकि नगर विधायक के संभावित भाजपा उम्मीदवार हैं जो लगातार पिछले 4 वर्षों से जीतते आ रहे हैं, लेकिन माहौल जो इस वक्त का दिख रहा है वह कहीं वो पिछले इतिहास को दोहराने में दखल दे रही है। तो लगातार टीवी स्क्रीन पर आप बने रहे, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस पर हम एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं। इस पूरे मामले पर विधायक संजय सरावगी का कहना था कि मालिक को वीडियो भेजना होता है, इसलिए ये लोग इस तरह के काम कर रहे हैं, नहीं तो शिलान्यास का कार्यक्रम जारी है। आइए सुनते हैं नगर विधायक संजय सरावगी क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले पर। आप आरोप है, आप आरोप है, आपका वीडियो है मेरे पास। आरोप तो आरोप लोग लगाते हैं, लेकिन कुछ लुक्का टाइप होते हैं लोग, जिसको मालिक को फोटो भेजना पड़ता है तभी उसका रोजी रोटी चलता है। तो इसीलिए जो है वो मालिक को वीडियो भेज रहा था, भैया कार्यक्रम है, कार्यक्रम हो रहा था। मालिक आपका मालिक का मतलब क्या है, मालिक किसको कहना चाह रहे हो? ऐसा क्या करते हैं भाई, आपको मना करते हैं फिर मोबाइल का है। रुक जाइए, ऐसे मत करिए। क्या क्या विधायक से जब सवाल पूछा गया तो सवाल पूछने वाले पर ही थप्पड़ जड़ दिए विधायक संजय सरावगी ने और मोबाइल छीनने का प्रयास किया, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। आप एक बार फिर से तस्वीर में देखिए, सवाल पूछने पर कैसे विधायक संजय सरावगी आग बबूले हो गए। आपका मालिक का मतलब क्या है, मालिक किसको कहना चाह रहे हो? ऐसा क्या करते हैं भाई, आपको मना करते हैं फिर मोबाइल का है। रुक जाइए, ऐसे मत करिए। क्या क्या इधर प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि चुनाव से पहले लगातार नेता शिलान्यास करते हैं और आम लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। देखिए, पिछले 15 सालों से हम लोगों के नगर विधायक संजय सरावगी महोदय जी सिर्फ और सिर्फ चुनावी ढकोसला देते आ रहे हैं। जब चुनाव आता है तो शिलान्यास कार्यक्रम करवाते हैं और शिलान्यास कर करके वोट लेके चले जाते हैं यहाँ का। मैं बता दूं, पिछली लोकसभा चुनाव में जब लोकसभा चुनाव हुआ था उस समय आते हैं और शिलान्यास करके चले जाते हैं, लेकिन आज तक वह रोड ना बन सका। फिर बात आती है चुनाव की, जब विधानसभा चुनाव आती है फिर से उसी रोड का वो टेंडर निकलता है और फिर से वो शिलान्यास करने के लिए यहाँ पहुंच जाते हैं। आज हम लोगों ने वार्ड नंबर 46 जितनी वो तमाम जनता है सभी मिलके आज माननीय विधायक नगर विधायक संजय सरावगी जी का हम लोगों ने विरोध किया,
तो मैं बता दूं साथियों, उन्होंने हमारे मीडिया कर्मियों का मोबाइल छीन लिया। इतना ही नहीं साथी, तमाम जगहों पे जब हम लोगों ने उनसे कहा, जो पिछले 15 सालों में आपने एक सरकारी स्कूल ना खोल सका, पिछले 15 सालों में एक आप ओवर ब्रिज ना बना सके, तो आप किस हैसियत से हमारे यहाँ वोट मांगने आते हैं।